आगरा SSN मेडिकल कॉलेज की MS की छात्रा चुने डॉक्टर योगिता गौतम की हत्या के मामले में आरोपी विवेक तिवारी ने हत्या की बात कबूल कर ली है। गुरुवार सुबह उसने पुलिस को बताया कि मैं योगिता से शादी करना चाहता था, मगर योगिता जल्दी शादी करने को कह रही थी। आरोपी ने उसे कहा था कि बहन की शादी के बाद वह शादी कर लेगा। इस बात को लेकर विवाद चलता रहा। कुछ दिन पहले योगिता ने उससे बात करना भी बंद कर दिया था। इस दौरान उसका मोबाइल भी व्यस्त रहता था, इस कारण वे उस पर शक करने लगा। मंगलवार को एक बार मिलने के बहाने आया था। इस दौरान ही कार में दोनों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान उसने योगिता का गला दबा दिया। योगिता की सांसें चल रही थी तो आरोपी ने गर्दन पर चाकू मार दिया। सब को फेंकने के बाद लकड़ी डाली जिससे लोग देख ना पाए। जलाने की कोशिश में भी था लेकिन जला नहीं पाया। क्षेत्राधिकारी कोतवाली चमन सिंह चावड़ा ने बताया कि आरोपी ने हत्या करना कबूल कर लिया, उससे अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। बता दें कि आगरा के SN मेडिकल कॉलेज के स्त्री रोग विभाग की PG की छात्रा योगिता गौतम की मंगलवार रात हत्या कर दी गई थी। उसके शव को डॉकी क्षेत्र के गांव बमरौली में सुनसान इलाके में फेंक दिया गया था। बुधवार की सुबह उसका शव मिला। बुधवार की शाम शिनाख्त होने पर मृतका के भाई डॉक्टर मोहिंदर कुमार गौतम ने उरई में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विवेक तिवारी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। इससे पहले थाना डॉकी में हत्या का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस टीम ने देर रात डॉक्टर विवेक को हिरासत में ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। मैं डॉक्टर विवेक तिवारी जालौन से डॉक्टर योगिता से मिलने के लिए शाम को करीबन 6 से 6:30 के बीच में आया था। हमारे रिलेशन तकरीबन 7 सालों से थे। इस बीच में लास्ट बार मीटिंग के दौरान डॉक्टर योगिता जब मेरी कार में बैठी तो शुरुआत से ही इतने झगड़े स्टार्ट हो गए और इतनी ज़्यादा हॉट टॉक स्टार्ट हो गई कि जिसमें मैंने गला दबा के उनकी हत्या कर दी। और जब मुझे ये लगा कि गला दबाने के बाद भी वो उनकी मृत्यु नहीं हुई है तो जनरली मैं अपने एक गाड़ी में चाकू रखता हूँ, उससे मैंने उनके सर पे वार किया और एक सुनसान इलाके में उनकी बॉडी को फेंक दिया और लकड़ियों से ढक दिया।